टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू मेक डिपॉजिट इन कोटेक्स। सो आज हम जिस टॉपिक के अबाउट बात करने वाले हैं वो ये है कि हम कोटेक्स में किस तरह डिपॉजिट कर सकते हैं बाइनांस के थ्रू। तो चलें अपने हम बगैर टाइम ज़ाया कि अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने कोटेक्स का अकाउंट ओपन करना है और जाना है डिपॉजिट पे। तो डिपॉजिट पे हम जैसे ही आते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, क्वीन बीएस का, बिटकॉइन का, कीवी का, बिटकॉइन कैश, काफ़ी सारे। ठीक है, तो उसके बाद एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है, यहाँ पे ना दो होते हैं, यूएसडी थीटर एंड यूएसडी थीटर BEP20 TRC20। जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो TRC20 यूज़ होता है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने कितनी अमाउंट, मतलब कि चूज करनी है कितनी अमाउंट को आपने डिपॉजिट लगाना है। ठीक है, तो अभी हमने जो डिपॉजिट करना है वो ऑलमोस्ट करना है 980 का। तो 980 को हमने सिलेक्ट कर लिया, या हम 970 कर लेते हैं क्योंकि ट्रांजेक्शन में भी फीस कटती है अक्सर। तो अभी एक प्रोमो कोड भी, अभी अभी उस प्रोमो कोड को यूज करेंगे उस। सॉरी, उसका नाम है हॉट फेवरेट। तो ये देखें, हमें प्रोमो कोड जो हमने अपना यहाँ पर सेट किया, तो उसके बाद जो हमें अभी अमाउंट मिल रही है वो $1940 की मिल रही है। तो अभी हम इसको डिपॉजिट को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि प्रोमो कोड कभी कभी आता है कि आपको 100% बोनस मिलता है, तो वही 100% बोनस को यूज़ करके हम अपना कोटेक्स में डिपॉजिट लगा रहे हैं। तो अभी हम डिपॉजिट श्योर करते हैं। तो यहाँ हमारे पास ना दो ऑप्शन है, वो होता है कॉपी एड्रेस कर लें या कॉपी अमाउंट कर लें। तो सिंपलीफाई, हमने अपना यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस को क्या करना है, कॉपी करना है हमने। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एड्रेस को कॉपी कर लिया। अब हम चलते हैं अपने बाइनांस के वॉलेट में, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम अपना TRC20 सिलेक्ट करके अपने अमाउंट को क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम आए हैं, तो USDT, ये देखें USDT TRC20 हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इधर आएंगे, सॉरी, क्योंकि हमने बेसिकली ही USDT TRC से विड्रॉ करनी है, डिपॉजिट हमने करना है कोटेक्स में। ये देखें हमारे पास $2060 ठहरे हुए हैं इस वक्त, तो ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, फिर भी हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये हमने एड्रेस यहाँ से कॉपी किया और ये हम बाइनांस के वैलेट में जा क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमने नेटवर्क कौन सा सेलेक्ट करना है। देखें यहाँ पे बहुत सारे, मतलब कि नेटवर्क आपको शो हो रहे हैं, लेकिन आप जो सेलेक्ट करना है वो TRC20 करना है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको मेंशन की, कि जो डिपॉजिट टाइम लेता है बाइनांस के थ्रू वो 5 मिनट ऑलमोस्ट लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने अपनी अमाउंट यहाँ पे जो करनी है 197, जो हम आपने यहाँ पे सिलेक्ट की थी, तो ये हम ने अमाउंट सिलेक्ट कर ली। ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको USDT TRC20 सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, उसके बाद कोटेक्स का जो आपने वॉलेट एड्रेस वहाँ से आपने क्या किया था, कॉपी किया था, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर TRC20 सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपनी अमाउंट यहाँ पे क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है, उसके बाद क्या करना है, विड्रॉ करना है इसको। बोलिए।
तो वो बोल रहे हैं कि आप इतने का नहीं कर सकते, तो अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। नाइनटीन फिफ्टी का सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक चीज़ का ख्याल रखना कि फंडिंग वैलेट सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है स्पोर्ट वैलेट। ठीक है, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो अभी फिर हम करते हैं लेट्स। ठीक है, यहाँ पे फिर अब मतलब कि आपने इसको पढ़ना है कि रिस्क वार्निंग जो होती है, मतलब कि उनके कुछ रूल्स वगैरह होते हैं बाइनांस के, तो उनको अंडरस्टैंड करना है आपने। उसके बाद कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके जीमेल पर, जिस पर आपका बाइनांस अकाउंट बना हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं, वो बाइनांस का जो कोड आया है, अभी हम वहाँ पे पुट करते हैं। तो इसी तरह से ये चीज़ें आपने वन बाय वन ख्याल से करनी है, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट की बात होती है, तो आपने बिल्कुल भी हैक पर नहीं होना, आराम सुकून से करना है ये सारी चीज़ें। तो अभी हमारे पास जो कोड है, वन 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 8776। ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिकेटर कोड होता है। ये बेसिकली किसी का होता है, किसी का नहीं होता, क्योंकि आप अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए ऑथेंटिकेटर कोड लगाते हैं। तो बेसिकली मैंने लगाया हुआ, तो अभी मैं यहाँ पे पुट करूँगा। वो हमारे पास इस वक्त है 7591192। तो अभी हमने सबमिट करना है। तो ये देखें सबमिट, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, डिपॉजिट सक्सीड हो गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं वापस अपने कोटेक्स अकाउंट की तरफ। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि डिपॉजिट लगा है नहीं लगा। बेसिकली ये 5 मिनट का टाइम लेता है। तो अभी हम इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके चेक करते हैं कि यहाँ पर पेंडिंग में है या नहीं है। तो ये देखें अभी आया हुआ है कि वेटिंग कन्फर्मेशन डिपॉजिट USD TRC 20 970, वेटिंग कन्फर्मेशन। 5 मिनट यहाँ पे लगते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, थोड़ा वेट करना है, उसके बाद ये डिपॉजिट कन्फर्म हो जाएगा। तो आपने इस तरह से क्या करना है, डिपॉजिट लगाना है बाइनांस के थ्रू कोटेक्स में। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें कि हमारी न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहें।